माफिया के खिलाफ कार्रवाई का वादा पूरा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट पर 7 बड़े एक्शन की मंजूरी दे दी। गुज़श्ता 25 साल के दौरान शुगर मिलों को दी जाने वाली तमाम सब्सिडीज की तहकीकात के लिए नैब को रेफरेंस भेजे जाएंगे। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, रिकवरी और चीनी की कीमतों को वापस लाने के हवाले से सिफारिशात की मंजूरी। शुगर मिल्स में इनकम और टैक्स सेल्स फ्रॉड, बेनामी ट्रांजैक्शन का मामला एफबीआर के हवाले। 90 दिन के अंदर कार्रवाई और रिकवरी शुरू करने का हुक्म। तहकीकात में हमारे समेत तमाम सियासी जमातों के अफराद में कोई फर्क नहीं होगा। वफाकी हुकूमत तमाम तहकीकात को मॉनिटर करेगी। मुआविन खुसूसी एहतसास शहजाद अकबर की मीडिया ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो हैं वो रोज तो नहीं, महीने में बाद गायब हो जाते हैं, फिर उबरते हैं। और वो जब भी कोई ऐसा माहौल आता है जिसमें कि अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस जरा सख्त हो रहा है तो उनको कोई ना कोई कॉन्फ्रेंस या कोई ना कोई सिचुएशन याद आ जाती है जिसमें वो इकट्ठा कर सके। ये बेसिकली अपनी बार्गेनिंग कर रहे हैं और उनका कोई मकसद नहीं। मुल्क के इदारों को लूटने वालों का एहतसाब करने का अर्ज़ कर रखा है। अपोजिशन अपनी करप्शन छुपाने के लिए शोर मचा रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने चीनी के मामले पर खुद कमीशन बनाया। सबका ख्याल था कि शुगर कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक नहीं की जाएगी। शुगर माफिया में बड़े बड़े लोग शामिल हैं। वफाकी वज़ीर इख्तलाफ नशरियात सेनेटर शिब्बी खराब। हुकूमत का गंदम आटे के जखीरा अंदोजी में मुलव्वस तनाजे के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास। गंदम की दरामद पर आयद ड्यूटी मुकम्मल तौर पर खत्म। दरामदात की मकदार पर पाबंदी नहीं होगी। गंदम की बैन-उस्सूबाई नकल हमल के लिए तमाम पाबंदियां और चेक पोस्टें खत्म। दरामद निजी शोबे के जरिए की जाएगी। इजलास में फैसले। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नुमाइंदा खसूसी ज़ल्मे खलील ज़ाद की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, खत्ते की मजमू सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में अफगान मुफाहमती अमल, पाक अफगान बॉर्डर मैनेजमेंट और अफगान पनाह गुजीनों के मामलों पर ज़ेर गौर। बाहमी मकासद के हुसूल के लिए मुश्तरक जद्दोजहद जारी रखने पर इत्तेफाक। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। जिला शुपैया में 5 कश्मीरी नौजवान शहीद। नौजवानों को महासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान शहीद किया गया। मुल्क में कोरोना वायरस के फैलाव में तेजी। 24 घंटों के दौरान 4,960 केसेस का इजाफा, 67 अमवात। जांबहक अफराद की तादाद 2,002 हो गई। 98,947 में से 33,435 से एहतियात। बलोचिस्तान में बैन-उस्सूबाई और बैन-उल-इस्लाही पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने की इजाजत। मुसाफिरों और बस अमले को हर सूरत मास्क पहनने की हिदायत। बसों, कोचों और वैगनों में हैंड सैनिटाइजर की जरूरत लाजमी करार। दुनिया भर में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 70,63,000 से बढ़ गई। 4,04,500 मरीज जान की बाजी हार गए। 34,51,000 सेहतियाब। अमरीका में हलाकतों की तादाद 1,12,000 से बढ़ गई। ब्राजील में हलाकतों की तादाद 36,000। बरतानिया में 40,542। भारत में सबसे ज्यादा मुतासर ममालिक में छठे नंबर पर आ गया। 7,200 अफराद हलाक हो गए। कराची में लियारी के इलाके खड्डा मार्केट में 5 मंजिला इमारत मुनहदम हो गई। एक खातून जा बहक। मुतासिर जख्मियों को इमारत से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज बुलेटिन में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं अयाज असलम और मैं हूं सदफ अली खान। और खेलों की खबरों में मैं समी इकबाल आपका साथ दूंगा। हेडलाइन
बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आजम इमरान खान ने चीनी की कीमतों में इजाफे के लिए कायम तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट की रोशनी में गैर कानूनी तौर पर अरबों रुपए की सब्सिडी देने और लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई और उनसे कौम की लूटी हुई दौलत की वापसी की मंजूरी दे दी है। वजीर आजम ने यह फैसला मुआवन खसूसी बराए एहतसाब बैरिस्टर शहजाद अकबर की तरफ से कमीशन की रिपोर्ट पर अपनी सिफारिशात पेश करने के बाद किया है। तफसीलात रियाज बरकी से। माविन खसूसी बराए एहतसाब बैरिस्टर शहजाद अकबर ने वजीर आजम इमरान खान से बनीगाला में मुलाकात की और शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट की सिफारिशात पर अमल दरामद के बारे में उन्हें ब्रीफिंग दी। वजीर आजम इमरान खान ने सिफारिशात की मंजूरी दे दी। मुलाकात के बाद मीडिया ब्रीफिंग में बैरिस्टर शहजाद अकबर ने बताया कि शुगर माफिया के खिलाफ 7 बड़े एक्शन की मंजूरी दी गई है। पूरे 29 अरब रुपए की सब्सिडी का मामला नैब को भेजा जा रहा है। नैब इसके अंदर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करे और जो लोग चाहे उन्होंने ये सब्सिडी देने में उनका ताल्लुक वो सेक्रेटरी हो, वजीर हो, जो भी जिस ओहदे पे भी विराजमान हो, माजी में रहे हों, अभी हों, उनके खिलाफ एक्शन हो। वजीर आजम इमरान खान ने गुज़श्ता 25 साल के दौरान शुगर मिलों को दी जाने वाली तमाम सब्सिडीज की तहकीकात के लिए नैब को रेफरेंस भेजने की भी मंजूरी दी। शुगर का कारोबार आप समझते हैं कि 90 की दहाई में इसके अंदर सियासी खानदान आए और उन्होंने कोटा सिस्टम के तहत अपनी मिलें लगाई। एक एक हुकूमती खानदान की दर्जनों शुगर मिलें थी और फिर वो खुद ही सब्सिडी देते थे। एक बड़े खानदान ने इंडिया को बहुत ज्यादा चीनी एक्सपोर्ट की थी और उसके बाद में बहुत ज्यादा सब्सिडी भी ली थी। तो वो तमाम मामलात के लिए भी रेफरेंस नैब को भेजा जा रहा है कि ना सिर्फ इन 5 सालों में जिसमें हमारे साल की भी सब्सिडी शामिल है, आपको पाकिस्तान की हिस्ट्री में खुद एहतसाबी की अगर इसके अलावा कोई मिसाल मिलती है तो मैं यहाँ मौजूद हूँ, मुझे बता दीजिए। बैरिस्टर शहजाद अकबर ने बताया कि फॉरेंसिक ऑडिट के नतीजे में तमाम शुगर मिलों में सेल्स और इनकम टैक्स फ्रॉड और बेनामी लेनदेन के शवाहिद मिले हैं। उन्होंने कहा कि FBI को हिदायत की गई है कि वो 90 दिन के अंदर तहकीकात करके रिकवरी के लिए कार्रवाई करे। अगर हमजा शुगर मिल को देखा जाए तो सिर्फ 1 साल में उनकी तकरीबन 1.19 अरब रुपए का टैक्स फ्रॉड सामने आया, दूसरे साल में 2.88 अरब का सामने आया। अल अरेबिया के 2 साल का जो टैक्स सेल्स टैक्स का है वो तकरीबन 1.25 से 1.5 अरब रुपए की सीधी सीधी टैक्स एवेजन है जिसके सबूत मौजूद हैं। बैरिस्टर शहजाद अकबर ने बताया कि मुसाबकती कमीशन की तश्कील नौ की गई है और नई टीम 1 हफ्ते में चार्ज संभालेगी। कमीशन को हिदायत की गई है कि कार्टलाइजेशन की तहकीकात करके इसके जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए 90 दिन में रिपोर्ट पेश करे। गंदम की बरामद के लिए सब्सिडी लेने और बरामद न करने और इस हवाले से फ्रॉड की तहकीकात और रिकवरी के लिए स्टेट बैंक को 90 दिन में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की गई है। इसके अलावा FIA और सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन को हिदायत की गई कि वो 90 दिन के अंदर कारपोरेट फर्म्स में मुख्तलिफ किस्म के फ्रॉड की तहकीकात करके मुतालिका अदालतों में मुकदमात कायम करें। FIA को अफगानिस्तान को जाली बरामदात और मनी लॉन्ड्रिंग जबकि मुख्तलिफ शुगर मिलों की तरफ से सूबाई कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए मंजूर शुदा सलाहियत से ज्यादा क्रशिंग, गने के वजन में कमी और किसानों को पूरी और बरवक्त अदायगी न करने की तहकीकात की जिम्मेदारी एंटी करप्शन के हवाले की गई है। बैरिस्टर शहजाद अकबर ने कहा कि वजीर आजम इमरान खान ने वजीर सनत की सरबराही में एक कमेटी तश्कील देने की भी मंजूरी दी जो शुगर पॉलिसी की तैयारी के साथ चीनी की कीमतों का तयन करेगी। बिलावल भुट्टो की आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के हवाले से सवाल पर वजीर इत्तेलात शिबली फराज ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने कौमी इदारों को लूटने वालों का एहतसाब करने का अज़्म कर रखा है। जब भी शहजाद अकबर साहब जरा वो नजर आते हैं टीवी में तो उनको कोई न कोई कॉन्फ्रेंस या कोई न कोई सिचुएशन याद आ जाती जिसमें वो इकट्ठा कर सकते। ये बेसिकली अपनी बार्गेनिंग कर रहे हैं और उनका कोई मकसद नहीं। उनको पता है कि जो अकाउंटेबिलिटी का शिकंजा है वो अपने फाइनल स्टेजेस में। वजीर इत्तेलात ने कहा कि अपोजिशन अपनी करप्शन छुपाने के लिए शोर मचा रही है। वजीर आजम इमरान खान ने कौम से एहतसाब का वादा किया था और कौमी दौलत लूटने वालों को अवाम का पैसा वापस करना होगा। रियाज बरकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत गंदम की जरूरियात को पूरा करने और आटे की कीमतों पर कंट्रोल को यकीनी बनाने के हवाले से आला सतह का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में यह फैसला किया गया कि मुल्क भर में आटे और गंदम की वाफर दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए गंदम के बैन सूबाई नकल व हमल के हवाले से तमाम पाबंदियां फौरी तौर पर उठा ली जाएं और तमाम चेक पोस्टों को खत्म कर दिया जाए। इजलास में यह भी फैसला किया गया कि निजी शोबे के जरिए गंदम की दरामद की जा सकेगी और उसकी मकदार पर कोई पाबंदी नहीं होगी। इजलास में फैसला किया गया कि गंदम की दरामद
مطلب پہلے سے آئے 6% اور اضافی 2% ڈیوٹی کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے. اجلاس میں گندم اور آٹے کی بیرون ملک سمگلنگ کی روک تھام یقینی بنانے سمیت ذخیرہ اندوزی میں ملوث عناصر کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کا بھی فیصلہ کیا گیا. اجلاس میں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں گندم کی پیداوار, صوبائی حکومتوں کی جانب سے گندم کی خرید, موجودہ اسٹاک اور ضروریات کا جائزہ بھی لیا گیا. مالی سال 2020-21 کے لیے وفاق, پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مجوزہ بجٹ کے حوالے سے اعلی سطح کا اجلاس اسلام آباد میں ہوا. وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت اجلاس میں پنجاب اور خیبر پختونخوا نے معاشی ٹیم کی جانب سے بجٹ, محصولات, اخراجات اور صوبائی حکومتوں کی ترجیحات پر بریفنگ دی گئی. وزیراعظم نے کہا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے اس وقت پوری دنیا میں معیشت کے حوالے سے غیر معمولی حالات ہیں. ان حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے غیر ترقیاتی اخراجات میں کٹوتی کی جائے اور ترقیاتی اخراجات میں اضافے کو یقینی بنایا جائے. وزیراعظم نے خصوصی طور پر ان منصوبوں کے حوالے سے ترجیحات مرتب کرنے اور انہیں عملی جامع پہنانے کی ہدایت کی, جن سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں اور معیشت کا پہیہ بھی تیزی سے چلے. وزیراعظم نے کہا کہ جن بڑے شہری علاقوں میں کرونا وائرس کی وبا نے برے اثرات ڈالے ہیں, ان علاقوں میں روزگار کے بھرپور مواقع پیدا کیے جائیں. وزیراعظم نے سرکاری اور نجی شراکت کے تحت منصوبوں کو عملی جامع پہنانے کی غرض سے نجی شعبے کے لیے آسانیاں پیدا کرنے اور صحت کے شعبے کی اپ گریڈیشن کی ضرورت پر زور دیا. اجلاس میں وفاقی وزراء, مشیران, پنجاب اور خیبر پختونخوا کے وزراء اعلی اور وزراء خزانہ نے شرکت کی. وزیراعظم عمران خان سے پنجاب کے وزیر اعلی سردار عثمان بستار نے ملاقات کی. اس ملاقات میں مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلی محمود خان نے بھی وزیر اعظم سے ملاقات کی, جس میں مختلف امور زیر غور آئے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے امریکی نمائندہ خصوصی زلم خلیل زاد نے ملاقات کی ہے اور اس ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور, خطے کی مجموعی سیکیورٹی کی صورتحال پر تبادلہ خیال سمیت افغان مفاہمتی عمل, پاک افغان بارڈر مینجمنٹ اور افغان پناہ گزینوں کے معاملات پر غور کیا گیا. ملاقات میں باہمی مقاصد کے حصول کے لیے مشترکہ جدوجہد جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا. وفاقی وزیر پوسٹل سروسز مراد سعید نے کہا ہے کہ شوگر رپورٹ کی ریکوری میں روشنی میں ریکوری ہوگی اور سزائیں ملیں گی. مافیا سے نجات کے لیے نظام کی درستگی ہوگی اور عوام کو ریلیف ملے گا. ایک بیان میں وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ ان فیصلوں کے بعد اب مزید ایسا نہیں ہوگا, مہنگائی سے عوام کو نجات مل جائے گی. وفاقی وزیر نے کہا کہ اس پہ اختلاف کہتی تھی کہ شوگر انکوائری نہیں ہوگی. آج انکوائری اور ایکشن قوم کے سامنے ہیں. اپوزیشن کے بیانات ہوا میں تحلیل ہو گئے. عمران خان نے یہ ثابت کر دیا کہ ان کا مفاد ملک اور قوم ہے. خبروں کا سلسلہ جاری ہے, لیکن ابھی راولپنڈی, اسلام آباد اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے. آئیے اذان سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمد رسول الله, أشهد أن محمد رسول الله, حي على الصلاة, حي على الصلاة, حي على الفلاح, حي على الفلاح,
الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا خود محبت ہو خدا جو خود محبت ہو وہ کتنی دیر دیکھے گا تڑپتا اپنے مظہر کو خدا جو خود محبت ہو وہ کتنی دیر دیکھے گا تڑپتا اپنے مظہر کو نہیں ویران رکھے گا وہ بازار و مسجد کو خدا کو رحم آنا ہے خدا کو رحم آنا ہے خدا کو رحم آئے گا فقط تم حوصلہ رکھنا فقط تم حوصلہ رکھنا ذرا سا فاصلہ رکھنا فقط تم حوصلہ رکھنا ذرا سا فاصلہ رکھنا جھکا کے سر کو سجدے میں خدا سے رابطہ رکھنا جھکا کے سر سجدے میں خدا سے رابطہ رکھنا ویلکم بیک بلٹن کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور اب کچھ بات کریں گے چناروں کے ریت کشمیر کی مقبوضہ وادی میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی کا سلسلہ جاری ہے اور تازہ کارروائی میں قابض فورسز نے شوپیاں کے علاقے زینا پورہ میں محاصرے اور تلاشی کے دوران 5 نوجوان شہید کر دیے ہیں کشمیر میڈیا سروس کے مطابق یہ کارروائی بھارتی فوج سینٹرل ریزرو پولیس فورس اور پولیس نے مشترکہ طور پر کی نوجوانوں کی شہادت کے فوراً بعد قابض حکام نے شوپیاں اور کلگام اضلاع میں انٹرنیٹ سروس معطل کر دی بھارتی خفیہ ایجنٹوں کی طرف سے بھیس بدل کر مسلمانوں کی ایک درگاہ پر حملے کے خلاف سری نگر میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا اس موقع پر مقررین کا یہ کہنا تھا کہ بھارت خطے میں فرقہ وارانہ انتشار پیدا کرنے کے لیے ایسی گھناؤنی حرکت کرتا ہے اتحاد المسلمین کے صدر مولانا مسرور عباس پیروان ولایت کے سربراہ مولانا سبط شبیر خمی اور تحریک وحدت اسلامی نے سری نگر میں اپنے بیانات میں درگاہ پر حملے کی مذمت کی ہے تحریک حریت جموں کشمیر چیئرمین محمد اشرف سہرائی نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ کشمیر کے عوام اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق اور حق خودارادیت کی بنیاد پر تنازع کشمیر کا حل چاہتے ہیں انہوں نے تنازع کشمیر پر کسی بھی سہ فریقی مذاکرات میں ریاستی عوام کی بے مثال قربانی کو مدنظر رکھنے کی ضرورت پر زور دیا اشرف سہرائی نے مادر وطن پر بھارت کے فوجی قبضے کے خلاف جد و جہد جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا راجوری میں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے جموں کشمیر پیپلز موومنٹ کے چیئرمین میر شاہد سلیم نے بھارت میں فاشسٹ مودی حکومت کی کشمیر دشمن پالیسیوں پر کڑی تنقید کی جموں کشمیر سوشل پیس فورم کے چیئرمین دیویندر سنگھ بہل کی سرکردگی میں وقف نے ریٹائرڈ جسٹس سید شریف بخاری کی وفات پر بارہمولہ کے علاقے کریری میں ان کے لواحقین سے تعزیت کی جسٹس شریف کچھ روز قبل لاہور میں انتقال کر گئے تھے سکھ انٹلیکچوئل سرکل جموں و کشمیر انٹرنیشنل سکھ فیڈریشن سکھ اسٹوڈنٹس فیڈریشن جموں و کشمیر سکھ کونسل اور گرمیت ٹیکسال سمیت مختلف سکھ تنظیموں نے اپنے بیانات میں 1984 میں آپریشن بلو اسٹار کے دوران بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں ہلاک ہونے والے ہزاروں سکھوں کو خراج عقیدت پیش کیا
ناظرین آپ کو بتاتے ہیں ضلع کے معاون خصوصی صحت ڈاکٹر ظفر مرزا نے کہا ہے کہ حکومت کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے خلاف مربوط حکمت عملی کے تحت کام کر رہی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر اسلام آباد میں میڈیا بریفنگ دیتے ہوئے ڈاکٹر ظفر مرزا نے کہا کہ تحقیق کے مطابق ماسک کا درست استعمال کرونا کی روک تھام میں معاون ہے۔ رضوان عارف رپورٹ کر رہے ہیں۔ معاون خصوصی صحت ڈاکٹر ظفر مرزا نے کہا کہ حکومت کی جانب سے کرونا وائرس کے حوالے سے ایس او پیز جاری کی گئی ہیں، جس کے تحت مارکیٹوں، دکانوں اور ٹرانسپورٹ میں ماسک پہننا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومتی ہدایات کے برعکس ماسک نہ پہننے والوں کے خلاف کاروائی ہوگی۔ کسی بھی ملک میں جہاں پہ کرونا وائرس کی بیماری پھیلی ہوئی ہے، 40 سے 60% تک اس بیماری کے پھیلاؤ کو ماسک کے صحیح استعمال سے روکا جا سکتا ہے۔ دکانوں میں، پبلک ٹرانسپورٹ میں اور کارخانوں میں جو ایس او پیز کا نفاذ ہے، اس حوالے سے آلریڈی مانیٹرنگ شروع کر دی ہے، اور جہاں جہاں اس کا ان ایس او پیز کا احترام نہیں کیا جاتا یا ان کی صحیح امپلیمنٹیشن نہیں کی جاتی، وہاں پہ ایکشن بھی لیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر ظفر مرزا نے عوام سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ ماسک ضرور پہنیں اور احتیاط کریں۔ حکومت کرونا وائرس کے تدارک کے لیے مربوط حکمت عملی کے تحت کام کر رہی ہے۔ ایک ماسک اور دوسرے معمر افراد کی حفاظت اور بیمار لوگوں کی حفاظت، یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اوپر اگر ہم خاص طور پہ احتیاطی رویہ اپنائیں تو بہت ساری بچت ہو سکتی ہے۔ معاون خصوصی صحت ڈاکٹر ظفر مرزا نے کہا کہ مریضوں کی سہولت کے لیے پاک نگہبان موبائل ایپ کا اجرا بھی کیا گیا ہے۔ رضوان عارف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ملک میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 4,960 کیسز کا اضافہ ہوا اور 67 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ اسلام آباد میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق ملک بھر میں متاثرہ افراد کی تعداد 98,943 ہو گئی ہے۔ وائرس سے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 2,002 ہے، جبکہ 33,465 صحت یاب ہو چکے ہیں۔ وفاقی دارالحکومت میں 4,979، پنجاب میں 37,090، سندھ میں 36,364، خیبر پختونخوا میں 13,001، بلوچستان میں 6,221، گلگت بلتستان میں 927 اور آزاد کشمیر میں 361 افراد کرونا سے متاثر ہیں۔ پاکستان میں پہلی مرتبہ ہنگامی خدمات پہنچانے والے مخیر ادارے ایدھی فاؤنڈیشن اور چھیپا آن بورڈ۔ نیشنل کمانڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے ملک بھر کے مختلف ہسپتالوں میں نگہداشت کی سہولیات، وینٹیلیٹرز اور بستروں کی دستیابی کے حوالے سے خصوصی ویڈیو کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں تمام صوبوں میں خدمات پہنچانے والے اداروں کے سربراہوں نے شرکت کی۔ شرکا کو ریسورس مینجمنٹ سسٹم کے بارے میں آگاہ کیا گیا اور پہلی بار ایمرجنسی ریسپونڈرز کو سنا اور بریف کیا گیا۔ ملک کے 1,579 ہسپتالوں کو اس ریسورس مینجمنٹ سسٹم سے منسلک کیا گیا ہے۔ 804 ہسپتالوں کا ڈیٹا بھی اس سسٹم میں موجود ہے۔ شرکا کو پاک نگہبان موبائل ایپ کے حوالے سے بھی بریفنگ دی گئی۔ پنجاب حکومت کرونا وائرس پر قابو پانے کے لیے مؤثر اقدامات کر رہی ہے۔ عوام کو درپیش مسائل کے فوری حل کے لیے ہسپتالوں میں بستر، وینٹیلیٹرز اور دیگر طبی سہولیات کے حوالے سے دیکھیے معین سلطان کی رپورٹ۔ دنیا بھر کے لیے کرونا وائرس ایک بڑا چیلنج بن کر سامنے آیا، جس نے بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک کے صحت کے نظام کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ شہریوں کو کرونا وائرس سے بچانے اور کرونا کے مریضوں کو صحت یاب بنانے کے لیے پنجاب حکومت مؤثر اقدامات اٹھا رہی ہے۔ مریضوں کی تعداد میں اضافے کے ساتھ ساتھ ہسپتالوں میں طبی سہولتوں میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے۔ اس وقت لاہور کے تمام بڑے ہسپتالوں میں ضرورت کے مطابق وینٹیلیٹرز اور بیڈز کی تعداد موجود ہے، جس میں اضافہ بھی کیا جا رہا ہے۔ پنجاب میں مریضوں کی تعداد 37,090 ہے، جبکہ صحت مند ہونے والے افراد 8,109 ہیں۔ ترسیس ہسپتال لاہور، ایکسپو سینٹر، پی کے ایل آئی سمیت دیگر قرنطینہ مراکز اور ہسپتالوں میں 9,000 سے زائد بستر موجود ہیں، جن میں سے 6,500 خالی ہیں۔ اسی طرح 2,287 وینٹیلیٹرز میں سے 1,826 وینٹیلیٹرز دستیاب ہیں۔ حکومت کی ہوم آئسولیشن کی پالیسی سے ایسے مریض جن کی حالت پیچیدہ نہیں ہے، انہیں گھر پر ہی طبی سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ حکومت کی بنائی گئی کرونا کے حوالے سے ہیلپ لائن اور ٹیلی میڈیسن کے ذریعے ان مریضوں کے ساتھ رابطہ رکھا جا رہا ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر روزانہ کی بنیاد پر کرونا وائرس کی صورتحال کی نگرانی کر رہا ہے، جس کی بنیاد پر مزید وینٹیلیٹرز اور طبی عملے کے لیے سامان سمیت دیگر آلات کی فراہمی میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ حکومت کرونا وائرس کی روک تھام کے ساتھ ساتھ مریضوں کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے ہسپتالوں کی صدارت کار میں مسلسل اضافہ کر رہی ہے۔ معین سلطان، پاکستان ٹیلی وی نیوز، لاہور۔
और एहतियात में ही सलामती है। मुल्क भर में मजमूई तौर पर 98,000 से जायद अफराद कोरोना से मुतासर हुए हैं जबकि 33,000 से जायद मुतासर अफराद मुकम्मल सेहतियाब हो चुके हैं। पंजाब में शिफायाब होने वालों के मौजी वबा के बारे में क्या तासरात हैं और हम वतनों से वो क्या कहना चाहते हैं, ये जानने के लिए देखते हैं आसिम रिजवान की ये खसूसी रिपोर्ट। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 23,100 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए। मुतासर अफराद की तादाद 4,960 रही। पंजाब में अब तक मजमूई तौर पर 37,090 लोग मौलिक वबा से मुतासर हो चुके हैं जबकि 683 अमवात हुई हैं। पंजाब में आवाम की हिफाजत के लिए ज़वाबित एकात पर अमल दरामद की मुहिम सूबे भर में पूरी कुव्वत से जारी है जिसके तहत इंडस्ट्रियल एरियाज, मार्केट्स और ट्रांसपोर्ट को SOPs पर अमल दरामद का पाबंद किया जा रहा है। खिलाफ वर्जी की सूरत में जुर्माने भी आयद किए गए हैं। मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया है, मेरे घर के 17 लोगों को पॉजिटिव टेस्ट आया था। मैं शुक्रगुजार हूँ पंजाब हुकूमत जिन्होंने हमारी मदद की, हमारे खाने पीने और बहुत ही अच्छा ख्याल किया, हमारी बहुत मदद की। आवाम हर चीज का ख्याल रखे, कोरोना को मजाक ना समझे, SOPs का और मुख्तलिफ चीजों का ख्याल रखे, बहुत से खतरात हो सकते हैं इस चीज से। अपने घर में सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, मास्क इस्तेमाल करें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने फैमिली का ख्याल रखें। सिविल इंतजामिया की मदद और तिब्बी साजो सामान की जरूरियात का जायजा लेने के हवाले से डॉक्टर फैसल सुल्तान की सरबराही में माहिरीन की टीम बिशमूल सुबह पंजाब पूरे मुल्क का दौरा कर रही है। इस सिचुएशन में खुद को पैनिक नहीं करना, बहुत से लोग हमारे ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि खुदा ना खास्ता उनको कोरोना हो गया तो शायद वो नहीं बचेंगे। ऐसा नहीं होता, बहुत से ऐसे मरीज हैं जिनको जो हाई रिस्क पेशेंट होते हैं, खुदा ना खास्ता ऐसे लोगों के लिए बचना थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन बहुत से ऐसे पेशेंट जो रिकवर हो जाते हैं। कोरोना खतरनाक बीमारी जरूर है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग आजकल जैसे लोग फिर रहे हैं बीमार बाजारों में, शॉपिंग मॉल्स में, खुदा के लिए अपने घरों में रहें, अपने आंखों में महफूज रखें। बहुत मुश्किल है जो जिंदगी अल्लाह ताला ने हमें दी है और ये जो सांसें हैं ये बहुत अहमियत की हामिल हैं। पंजाब के अस्पतालों की सलाहियतों में इजाफे और जरूरियात को पूरा करने के लिए नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने 72 नए इजाफी वेंटिलेटर्स भी फराहम किए हैं जो कि फैसलाबाद, मुल्तान, रावलपिंडी और लाहौर के अस्पतालों में इस्तेमाल किए जाएंगे। इसके अलावा पाकिस्तान में पहली बार इमरजेंसी सर्विसेज मुहैया करने वाले इदारों को नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से तफसीली ब्रीफिंग का एहतमाम किया गया। ब्रीफिंग में पंजाब की नुमाइंदगी डायरेक्टर जनरल पंजाब, डायरेक्टर जनरल 1122 डॉक्टर रिजवान ने की। दुनिया भर में कोरोना वबा से लुकमा अजल बनने वालों की तादाद 4,04,000 से तजावज कर गई जबकि वायरस से मुतासर होने वाले 70,63,000 अफराद में से 34,51,000 सेहतयाब हो गए। सऊदी अरब भी उन 15 ममालिक में शामिल हो गया है जहां 1,00,000 से जायद अफराद वायरस से मुतासर हुए हैं। भारत में कोरोना के 2,50,000 से जायद केस रजिस्टर्ड हो चुके हैं। अमरीका में 19,96,000 केसेज और 1,12,200 अमवात के साथ सर फहरिस्त है। बरतानिया में 40,542 जबकि ब्राजील में 36,000 से ज्यादा अफराद लुकमा अजल बन चुके हैं। अफसोस का खबर आपको देंगे कराची से जिसके इलाके लियारी, लियाकत कॉलोनी, खड्डा मार्केट में 5 मंजिला इमारत रिहायशी इमारत जमीन बोस हो गई और अब तक मलबे से 1 खातून की लाश और 6 जख्मी निकाले जा चुके हैं। मलबे तले कई अफराद के दबे होने का खतरा है और रेस्क्यू टीमें ताहाल इमदादी कामों में मसरूफ हैं। हादसे की मजीद तफसीलात जानते हैं कराची से हमारे नुमाइंदे ज़िशान अहमद खान की रिपोर्ट में। कराची में लियारी, लियाकत कॉलोनी, खड्डा मार्केट के इलाके नयाबाद में 5 मंजिला इमारत जमीन बोस हो गई। इलाका मकीनों के मुताबिक ये कॉर्नर बिल्डिंग थी और इसमें 45 फ्लैट्स बने हुए थे जबकि ये 2 प्लॉटों पर तामीर की गई थी। इलाका मकीनों के मुताबिक ये बिल्डिंग पहले ही मखदूश करार दे दी गई थी और रमजान के महीने में SBCA की जानिब से इसे खाली कराने के लिए नोटिस भी जारी किया गया था। शाम 5 बजे करीब ये बिल्डिंग झुक गई। इमारत के रिहायशी बिल्डिंग खाली कर रहे थे कि इमारत मुनहदम हो गई और उस वक्त उसमें मौजूद रिहायशी और मजदूर जो सामान शिफ्ट करवा रहे थे इस इमारत के मलबे तले दब गए। नोटिस लिया, 5 बजे पिलर झुके तो बिल्डिंग आधी खाली हो गई थी। अभी सामान ही उतार रहे थे तो पूरी बिल्डिंग गिर गई। ये बिल्डिंग पहले झुक गई, उसके बाद ये आगे नीचे गिर गई। मेरे को बहन ने इतना ही बोला है, बोलता मैं अभी सामान निकाल रही हूँ तो बाद में फोन करना, बस मेरा इतना ही बात हुआ उससे। 2 बिल्डिंगों को और भी नुकसान हुआ है।
सही है, उसकी भी हालत खस्ता हो जाएगी, प्लीज थोड़ा उसको भी देखा जाए, उसमें और लोगों का जानी नुकसान हो सकता है। यहाँ पर गुडविल पे फ्लैट है, गुडविल का मतलब ये होता है अगर बिल्डिंग गिर गई तो कानूनी तौर पे उसका कोई मालिक नहीं होता। तो ये बेचारे अगर 10 15 लाख 20 लाख का फ्लैट, जो कि 10,000 रुपए की नौकरी कर रहा है, 20,000 रुपए मंथली कमा रहा है, और वो बेचारा 15 20 लाख का फ्लैट कैसे ले सकता है। तो कुछ हुकूमत वक्त को सोचना चाहिए, उनके लिए कुछ करना चाहिए, कोई मदद करनी चाहिए। कमिश्नर कराची ने जाए वकुआ का दौरा किया और बताया कि रेस्क्यू का काम जारी है, तहम रेस्क्यू का काम मुकम्मल होने तक कुछ नहीं कहा जा सकता। हम इस वक्त प्रायोरिटी है जान बचाना, तो वो इस वक्त हम कोशिश कर रहे हैं, फिर मैं आपको इसके बारे में तफसील बताऊंगा। मुतादिद अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा है, जख्मियों को सिविल अस्पताल और दीगर करीबी अस्पतालों में दाखिल करा दिया गया है। एधी छीपा की इमदादी टीमें जाए वकुआ पर पहुंच गई, जबकि पुलिस रेंजर्स और पाक फौज की इमदादी टीमें भी इमदादी कामों में मसरूफ हैं। सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल ने वाकये का नोटिस लेते हुए कमिश्नर कराची और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से रिपोर्ट तलब कर ली है। उन्होंने कहा कि मलबे तले अफराद को निकालने के लिए फौरी इकदाम किए जाएं। सिंध के वज़ीर-ए-आला सैयद मुराद अली शाह ने वाकये का नोटिस लेते हुए मुतालिका हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली है। तर्जमान बल्दिया उज़्मा कराची के मुताबिक हैवी मशीनरी के जरिए मलबा उठाने का काम शुरू कर दिया गया है, जबकि अंधेरा होने के बायस इमदादी कामों में मुश्किलात पेश आ रही हैं। ज़िशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि समंदर पार पाकिस्तानियों ने हर मुश्किल वक्त में अपने वतन की मदद और खिदमत की है। उन्होंने कहा कि उनके मसाइल को हल करना हमारी जिम्मेदारी है। मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम पाकिस्तानियों से इस्लामाबाद में अपने वीडियो खिताब में वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि दुबई कौंसल खाने ने 196 पाकिस्तानियों को मुफ्त टिकट फ्राहम किया, जो एक अहसन इकदाम है। ये वो पाकिस्तानी हैं जो मेहनत करके अपनी रेमिटेंसेस के जरिए पाकिस्तान की मईशत को सहारा देते हैं, और आज भी हमारी एक्सपोर्ट्स से ज्यादा हमारी रेमिटेंसेस जो हैं वो हमें सहारा दिए हुए हैं। द क्रेडिट गोज टू ओवरसीज पाकिस्तानीज, दे आर स्टिल सपोर्टिंग पाकिस्तान, नॉट जस्ट सपोर्टिंग देयर फैमिलीज, दे सपोर्टिंग पाकिस्तान इकोनॉमी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं और इनकी खिदमत, इनकी इज्जत और इनका एहतराम हमारे फराइज में शामिल है। कोरोना वायरस की वबा से जहां रोजमर्रा मामलात जिंदगी मुतासर हो रहे हैं, तो वहीं थैलेसीमिया के मरीजों के लिए खून के अतियास में भी खातर ख्वाह कमी आई है। तफसीलात बता रहे हैं हसन तारिक पर। कोरोना वायरस की वबा में थैलेसीमिया के मरीजों के लिए खून की दस्तियाबी शदीद मुतासर हुई है। कैंप्स वगैरह नहीं लगा सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से लोग भी थोड़ा सा डर रहे हैं, तो लेकिन इन बच्चों की लाइफ कॉम्प्रोमाइज हो रही है। थैलेसीमिया मेजर को हर 20-25 डेज के बाद ब्लड लगता है, उसके बगैर बच्चा एनीमिक हो जाता है, एनीमिया होता जाता है, ऑक्सीजन न्यूट्रिशन उसकी और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बॉडी में नहीं जाते हैं, वीक होते होते उसकी लाइफ कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। थैलेसीमिया में मुब्तला बच्चों के लिए खून का अतिया किसी अनमोल तोहफे से कम नहीं। जब ब्लड डोनेट करते हैं तो इससे आपको भी नुकसान नहीं होता, उल्टा किसी को फायदा हो रहा है, किसी को जिंदगी मिल रही है। आपके हर 3 महीने बाद सेल टूट जाते हैं पुराने, तो नया खून बनता है, तो एक तरह से आपकी अपनी हेल्थ के लिए भी अच्छा। ब्लड डोनेट करना एक सदका जारिया है, अगर आप किसी की जिंदगी बचाते हैं, एक इंसान की जिंदगी बचाते हैं, तो इसका मतलब है कि आप पूरी इंसानियत की जिंदगी बचा रहे हैं। थैलेसीमिया के मरीजों की जिंदगियों का तहफ्फुज़ हम सबकी जिम्मेदारी है। कोरोना वायरस की वबा में थैलेसीमिया में मुब्तला बच्चों को भी याद रखें और खून का अतिया देकर उनकी जरूरत को पूरा करने में अपना भरपूर किरदार अदा करें। हसन तारिक भट्ट, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, रावलपिंडी। मुल्क भर में टिड्डी दल के खिलाफ ऑपरेशन भरपूर तरीके से जारी है। मुल्क के 46 अजला में मौजूद टिड्डी दल को तल्फ करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। एनडीएमए के मुताबिक टिड्डी दल से बलोचिस्तान के 33, खैबर पख्तूनख्वा के 9, पंजाब का 1 और सिंध के 3 अजला मुतासर हैं। बलोचिस्तान में खुस्तार, आवारा, नौशकी, चाकी, गवादर, अथल, केच, पंचकोर, खारान, बशोक और क्वेटा के अलावा दूसरे अजला भी मुतासर हैं। खैबर पख्तूनख्वा में डेरा इस्माइल खान, टांग, शिमाली और जनूबी वजीरिस्तान, लकी मरवत, करत, करम, नौशहरा और खैबर के अजला मुतासर हैं, जबकि पंजाब के जिला मियांवाली में टिड्डी दल मौजूद है। सिंध में मुतियारी, जामशोरो और हैदराबाद में भी टिड्डी
टिड्डी दल हमलावर है। एनडीएमए के तर्जुमान के मुताबिक टिड्डी दल से मुतासर इलाकों के सर्वे और कंट्रोल ऑपरेशन में 1,122 टीमों ने हिस्सा लिया। गुजश्ता 24 घंटों में 3,55,000 हेक्टर रकबे का सर्वे किया गया। 4,230 हेक्टर रकबे पर टिड्डी दल को तल्फ करने के लिए अद्वैत का स्प्रे किया गया। नाज़िम वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में इदारे इस्तेहकाम और जिद्दत की जानिब गामज़न हैं। पाकिस्तान पोस्ट आज से डिजिटल फ्रेंचाइजेस पोस्ट ऑफिसर्स के पायलट प्रोजेक्ट का आगाज कर रहा है। वफाकी वजीर मुराद तईब ने दो रोज कब्ल 3 बरस में सरकारी और निजी शोबे की शराकत के जरिए 1,25,000 डिजिटल फ्रेंचाइज पोस्ट ऑफिसर्स बनाने का ऐलान किया था। इदारे ने सिर्फ 2 दिन में 50 फ्रेंचाइज पोस्ट ऑफिसेस तैयार कर लिए हैं। मनसूबे से 2,50,000 लोगों को बराह रास्त रोजगार मिलेगा और पोस्ट का नेटवर्क मुल्क के हर शहर और गांव में फैला जाएगा। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान कहते हैं कि कौमी राबता कमेटी में फैसले अवामी मफाद में होते हैं और इस कमेटी में सबकी मुशावरत शामिल होती है। हुकूमत की कोशिश है कि जो शोबे मुतासर हुए हैं उनकी बहाली के लिए इकदाम किए जा सकें। नाजरा सेंटर टेक्सला की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर का कहना था कि कोरोना की वबा ने मईशत और समाजी जिंदगी को मुतासर किया है। हुकूमत सहूलियात अवाम की दहलीज तक पहुंचाने के लिए पुरअज़्म है। पंजाब के आइंदा माली साल के बजट के हवाले से वजीर आला सरदार उस्मान बुज़दार का इजलास से खिताब और सूबे में कोरोना वायरस के हवाले से पेशरफ का जायजा। लाहौर से ताहिर जाफी की रिपोर्ट में मुलाहिज़ा कीजिए। इजलास से खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि माली साल 2020-2021 के बजट में सेहत और समाजी सेक्टर पर खसूसी तवज्जो दी जाए और गैर जरूरी अखराजात कम किए जाएं। उन्होंने कहा कि बजट हकीकी इदादोशुमार पर मबनी होगा जिसमें आम आदमी की फलाह पर खसूसी तवज्जो दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मुश्किल हालात के बायस कमजोर तबकों को रिलीफ दिया जाएगा। मुशीर बराए इक्तिसादी उमूर डॉक्टर सलमान शाह ने पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार से मुलाकात की। मुलाकात में सूबे की मईशत को मजबूत करने और महकमों की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला ने कहा कि कोरोना वबा के तनाजुर में कारोबार और सरमायाकारी को फरोग देने की हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने मी अस्पताल लाहौर में कायम सेंट्रल कंट्रोल रूम का दौरा किया जहां उन्हें कोरोना की सूरत हाल के बारे में ब्रीफिंग दी गई। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने हिदायत की कि कोरोना के मरीजों के अहले खाना को रोजाना की बुनियाद पर मरीजों की सेहत के बारे में आगाह किया जाए। वजीर सनअत और तजारत पंजाब मियां असलम इकबाल ने कैंप ऑफिस लाहौर में ताजरों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कोरोना वायरस के बायस मईशत तवील लॉकडाउन की मुतहम्मल नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि गैर जिम्मेदाराना रवैया कोरोना वायरस के फैलाव का सबब है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन पंजाब के अहदेदारों ने कहा कि कोरोना के केसेज में खतरनाक हद तक इजाफा तशवीशनाक है जिसके लिए हंगामी इकदाम करना होंगे। उन्होंने कहा कि फ्रंटलाइन पर खिदमत सर अंजाम देने वाला तिब्बी अमला भी बड़ी तादाद में कोरोना का शिकार हो रहा है। पीएमए ने हुकूमत से अपील की कि एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए। ताहिर जाफरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। और आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना टेस्टिंग के इस्तेदाद-ए-कार को बढ़ाने के साथ साथ एसओपीज पर अमल दरामद को भी यकीनी बनाया जा रहा है। तफसीलात जानते हैं पेशावर से मुदस्सिर खान की इस रिपोर्ट में। पेशावर में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान मुशीर इतलात अजमल वजीर ने कहा कि सूबे में मोहल्ले कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की बढ़ती हुई तादाद के पेश नजर एसओपीज पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा रहा है। कोरोना के हवाले से एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर दुकानदारों और ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाइयां की गई है और मुतद्दद दुकानों और मार्केटों को जुर्माने जबकि बास को सील किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा की जो कैपेसिटी थी टेस्टिंग कैपेसिटी पहले दिन वो 20 थी, अल्लाह के फजलो करम से इस वक्त तकरीबन 2800 कैपेसिटी पे हमने पहुंचाया और इसको आगे हम लेकर जा रहे हैं। हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ जो लेबोरेटरीज हैं उनके साथ भी हम बात कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला आइंदा दिनों में हमने 5,000 और फिर इस तरीके से 10,000 तक पहुंचाना। मुशीर इतलात अजमल वजीर ने कहा कि सूबे में गंदम और आटे का मामला वजीर आजम के सामने उठाएंगे जबकि पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी यकीनी बनाने के लिए वफाकी हुकूमत से रबते में है। जहां तक पेट्रोलियम की मसनूआत का ताल्लुक है उसमें डिस्ट्रिक्ट हमारे पूरे सूबे में हमारे डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया कार्रवाइयां कर रही है। जहां पे वो शार्टेज आ रही है उस हवाले से हमारे वजीर आला साहब ने वफाक के साथ इस चीज को टैकअप किया है। अजमल वजीर ने कहा कि बाचाखान इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ओवरसीज पाकिस्तानियों की आमद का सिलसिला जारी है। ओवरसीज पाकिस्तानियों के तमाम मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जा रहे हैं। एनडीएमए के ताउन से सूबे के 49 अस्पतालों की तिबी अमले को कोरोना वायरस से निमटने के लिए हिफाजती सामान की सातवीं खेप मुहैया की गई है। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस से मजीद 14 अफराद जमा होने से सूबे में अमवात की तादाद 575 हो गई है।
सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद 486 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हुए हैं। अब तक सूबे में सेहतयाब होने वाले अफराद की कुल तादाद 3542 है। मुदस्सर खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, पेशावर। मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स के इस्तेमाल और समाजी फासले पर अमल से ही कोरोना वायरस से खुद को महफूज रख सकते हैं। इसी हवाले से मजीद बताएंगे हसन नासिर सिद्दीकी। सिंध के वजीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि सूबे में अब तक कोरोना वायरस के 38,108 केसेज सामने आए हैं। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो ज्यादा से ज्यादा एहतियात करें और सिर्फ जरूरी कामों के अलावा बिला वजह घरों से बाहर न निकलें और बाहर निकलते वक्त मास्क पहने, सैनिटाइजर और ग्लव्स का इस्तेमाल लाजमी करें। सिंध असेंबली में कायदे हज़्ब इख्तलाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी और हुनैद लाखानी ने कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। अपने खिताब में फिरदौस शमीम नकवी ने कहा कि कराची को यौमिया 300 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने इस अहम मसले पर कोई संजीदगी नहीं दिखाई। 2007 से 2020 तक आबादी तो बढ़ी, एक बूंद कतरा पानी का इजाफा नहीं। हुकूमत सिंध ये नहीं बता सकती कि सन 2030 में कराची की पानी की जरूरत क्या होगी और वो पानी कहां से आएगा। अगर पिछला मंसूबा डिजाइन और एक्नेक्स से अप्रूवल लेने में और अवार्ड करने में 10 साल लगते हैं। न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बैतुल माल सिंध के सरबराह हुनैद लाखानी ने कहा कि सिंध हुकूमत की नाकिस हिकमत अमली की वजह से मुल्क का सबसे ज्यादा कमाकर देने वाला शहर कराची बदतरीन पानी बहरान के मसाइल का शिकार है। पानी बुनियादी हक है, जरूरत है। लोग खुराक के लिए लड़ रहे हैं, लोग जो है बेरोजगारी की वजह से लड़ रहे हैं, लोग पानी की वजह से अपने घरों को बेच रहे हैं, छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, बीमार होते जा रहे हैं, मेल न्यूट्रिशन का शिकार होते जा रहे हैं। पीटीआई सिंध के सदर हलीम अली शेख ने अपने वीडियो पैगाम में कहा है पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमत में स्टील मिल्स 10 अरब रुपए मुनाफे से 460 अरब रुपए के खसारे में आ गई है। स्टील मिल को सफेद हाथी बनाने में, स्टील मिल को एक फायदेमंद फौलाद साज फैक्ट्री होने के मिल होने के बाद जो जनाजा बनाया है ये पीपल्स पार्टी ने स्टार्ट किया, 10 साल इसको लूटा। उन्होंने कहा कि वजीर आजम इमरान खान के दौरे हुकूमत में स्टील मिल भी चलेगी और गरीब के घर का चूल्हा भी जलेगा। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। बलोचिस्तान में हुकूमत ने मैनसूबाई और बैन अजला पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने की इजाजत दे दी है। महकमा दाखिला बलोचिस्तान के नोटिफिकेशन के मुताबिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बहाली एसओपीस पर मुकम्मल अमल दरामद के साथ मशरूत रखी गई है। पीटीवी से नशर होने वाला तारीखी ड्रामा अर्तुगरुल गाजी कामयाबी के नए रिकॉर्ड बना रहा है। ड्रामे में मुनफरिद धुन पर पड़े गए तराने को उर्दू शायरी में आवाम तक पहुंचाया गया। कराची से जिशान अहमद की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान टेलीविजन पर उर्दू डबिंग में पेश किए जाने वाले तुर्किश ड्रामे अर्तुगरुल गाजी को यूट्यूब चैनल पर 52 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और 53 करोड़ से ज्यादा व्यूज इंतहाई कम दिनों में हासिल हुए हैं, जिनमें हर गुजरते लम्हे के साथ इजाफा होता जा रहा है। अर्तुगरुल गाजी जहां कामयाबी की नई मनाजिल और रिकॉर्ड कायम कर रहा है, वहीं लोगों के जहनों में मुसलमानों के शानदार अजमत रफ्ता के अदवार की याद भी ताज़ा कर रहा है। ज़ुल्फ़िकार से बेहतर कोई तेज नहीं, न अली से ज्यादा बहादुर है। जुर्रत और बहादुरी, अल्लाह पर कामिल यकीन और पुख्ता ईमान की मिसालें पेश करता यह ड्रामा नाजरीन की तवज्जो का मरकज बन चुका है। मैंने रूह की गहराइयों तक तुमसे मोहब्बत की, हलीमा सुल्तान, मेरी मौत पर आंसू न बहाना। आखिरी सांसों तक मेरे दिल में सिर्फ अल्लाह की शहादत है और दूसरी चीज तुम्हारी मोहब्बत है। सोशल मीडिया पर लोगों की जानिब से इस हवाले से कई नगमे और तराने पेश किए गए हैं। वहीं कराची से ताल्लुक रखने वाले नाफा नुमान शाह ने भी अर्तुगरुल के तराने को उर्दू शायरी में नाजरीन के लिए तैयार किया है। तराने में मुसलमानों की हिम्मत और बहादुरी, निडर तबीयत और दिलेरी की सिफात बयान की है, जो कि एक सच्चे मुसलमान का खासा है। इस तराने को सुनकर रगों में खून भी गर्मा जाता है। एक अल्लाह से डरने वाले कलमा नबी का पढ़ने वाले हैं, दीन मोहम्मद के रखवाले शम्मे रिसालत के मतवाले हैं।
रग रग में ईमान बसा है, सीनों में कुरान बसा है, रब के आगे झुकने वाले हैं। रब के हैं हम राजी, देती है तारीख दवाही, जुल्म से बढ़ के लड़ने वाले हैं। इससे कबल नुमान शाह ने अल्लाह ताला के मुबारक अस्माए हुस्ना के साथ साथ दीगर नातों को अपनी खुशलहान आवाज में पेश किया है। वो अर्तुगरल गाजी को उर्दू डबिंग में पेश करने पर पीटीवी के शुक्रगुजार हैं। अर्तुगरल का जो थीम सॉन्ग है वो इनके अपने लैंग्वेज में था, तो मैंने सोचा कि इसको उर्दू में होना चाहिए, तो इसके लिए मैंने बड़ी मेहनत की। अगर आप एक जज्बे और जुनून और आप किसी विजन के तहत कोई काम करें तो फिर अल्लाह ताला भी उसमें आसानी पैदा कर देता है। अर्तुगरल गाजी रोज बरोज नाजरीन को अपना गर्विदा बनाता जा रहा है, ताहम इसकी मकबूलियत को देखते हुए इसे हफ्ते में चार दिन नशर किया जा रहा है, जो किसी भी प्रोग्राम की बेपनाह कामयाबी का मुंह बोलता सबूत है। जिशान खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। पाकिस्तान टेलीविजन की इंतजामिया ने एक प्रोग्राम के दौरान पाकिस्तान के नक्शे के हवाले से गलत तस्वीर नशर होने का सख्त नोटिस लिया है। एमडीपी टीवी आमिर मंजूर का कहना है कि इस नौयत की संगीन कोताही इदारा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगा और गलती के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई यकीनी बनाई जाएगी। और नाज़रीन, मुल्तानी खुस्ता खूबसूरती और पायदारी में अपनी मिसाल आप है, यकीन मराहिल से गुजर कर तैयार होता है। इस हवाले से आपको दिखाते हैं इमदाद हुसैन की ये रिपोर्ट। पाकिस्तानी सकाफत में मुल्तानी खुशे को एक खास अहमियत हासिल है। पाँव में पहने जाने वाला ये जूता सिर्फ एक हाथ का कमाल नहीं बल्कि ये मुख्तलिफ हाथों से गुजरता हुआ तकमील को पहुंचता है। सबसे पहले जत्ते पर पमैश ली जाती है, बाद में चमड़े के तलवे काटे जाते हैं, फिर ऊपर वाले हिस्से पर खास तिले, मोती और धागों की कढ़ाई की जाती है, फिर दोनों हिस्सों को धागे से सिलाई कर दिया जाता है और आखिर में पॉलिश लगाई जाती है। इस तरह खूबसूरत खुशा तैयार हो जाता है। कमल चमड़ा होंगे वो कोई था के धो के वालों की लिखाई करे ने उन्हें जो सोल भी बने दे हैं, अपर भी बने दे हैं। यूं तो आजकल के दौर में मुख्तलिफ इकसाम के खुशे तैयार किए जाते हैं, अगर सबसे ज्यादा डिमांड सिल्मा दिपका, तिल्लेदार, नोकदार और जामेदार खुशा ज्यादा मकबूल हैं। इसलिए आज भी शादी ब्याह और मुख्तलिफ त्यौहार पर खुशे को बतौर फैशन इस्तेमाल किया जा रहा है। खुशा मुल्तान की पहचान होने की वजह से यहाँ ये फैशन के तौर पे भी अब बहुत इस्तेमाल होता है। जो हमारे बाहर से विजिटर आए होते हैं वो मुल्तान की सकाफत के वाले से खुशे का शौक रखते हैं। मैं खुशा लेने आया हूँ, कुर्ता शलवार के साथ खुशा बहुत सूटेबल लगता है, गर्मियों में ये बहुत आरामदेह होते हैं। अब तो चमड़े के अलावा वेलवेट, फैंसी, मखमल और सादा खुशे का रुझान ज्यादा होने लगा है। मुगलिया दौर से चली आ रही खुशे की सकाफत आज भी मुल्तान में मौजूद है। इंदौर से पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, मुल्तान। वाइस चांसलर बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी डॉक्टर मोहम्मद नईम खान ने कहा है कि मौजूदा दौर में ऑनलाइन तरीके तजवीज की बड़ी अफादियत है। उन्होंने कहा कि बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी से लॉकडाउन शुरू होते ही ऑनलाइन एजुकेशन का अमल शुरू हुआ जो अब भी जारी है। ऑनलाइन तालीम की अहमियत के मौजू पर वीडियो लिंक प्रोग्राम में इजहार ख्याल करते हुए माहिर तालीम डॉक्टर अताउर रहमान समेत कई यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर ने इजहार ख्याल किया। मौसम की सूरतहाल से आपको आगाह करें। महकमे मौसमियात का कहना है कि आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। तमाम खिस्ताए पोठोहार, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और कश्मीर और इससे मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। और अब मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में रिकॉर्ड किए गए ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर।